गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट एक्सरसाइज फर्स्ट। अब तक हमने पिछले वीडियोज में रेशनल नंबर से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज को देखा था। आज हम उन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमारी है एक्सरसाइज 1.1, उसके कुछ क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। लाइक क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दी गई संख्याओं का हमें क्या करना है, एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। इनवर्स यानी प्रतिलोम यानी संख्या का उलटना, एडिटिव यानी योज्य योग वाला प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है। पहली संख्या हमें दी हुई है 2/8। प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि किसी भी संख्या का, किसी भी रेशनल नंबर के एडिटिव इनवर्स को एड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी की वैल्यू होती है हमारी 0। मीन्स हमें 2/8 में ऐसी संख्या ऐड करनी है, कोई संख्या ऐड करनी है कि हमारा आंसर क्या है, 0। लेट वो वैल्यू हमने x मानी, देन 2/8 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 0। हम यहां मानेंगे लेट एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू x, यानी योज्य तत्समक का मान कितना है हमारा x है, तो दोनों को जोड़ने पर आंसर कितना आना चाहिए, 0। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए 2/8 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, देन 2/8 ये वैल्यू प्लस की थी तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का। आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर माइनस 2/8। जैसे कि आपको प्रॉपर्टीज में बताया गया था कि जब भी हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, संख्या को एज इट इज रखते हैं, पॉजिटिव साइन को नेगेटिव में, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ 2/8 2/8 प्लस का है तो इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, माइनस का 2/8। सिमिलरली माइनस 5/9 यानी -5/9 के लिए क्या रहेगा हमारा, -5/9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। देन ट्रांसफर करेंगे, टेकिंग -5/9 अदर साइड, -5/9 का पक्षांतर करने पर ये क्या आ जाएगा, 5/9 माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, यानी ये इसका आंसर होगा। किसी भी संख्या का एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम ज्ञात करते वक्त हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमें प्लस वाली संख्या को माइनस में और माइनस वाली संख्या को प्लस में, धनात्मक को ऋणात्मक में और ऋणात्मक को धनात्मक में बदलना है और उसका योज्य प्रतिलोम हमें प्राप्त हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी किसी संख्या की, किसी ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक उसी संख्या का धनात्मक मान होता है। यहां हमें x बराबर 11/5 दिया हुआ है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या पुट करेंगे, माइनस x की वैल्यू हमारी कितनी है, -11/15, ब्रैकेट रिमूव करेंगे, देन माइनस एंड माइनस, ये दोनों आपस में साइन मल्टीप्लाई होंगे और हम जानते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस की वैल्यू होती है, देन ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, प्लस की 11/5 विच इज इट्सेल्फ एक्स, जो कि क्या है, एक्स का खुद का मान है, बराबर एक्स। मीन्स दिस सॉल्यूशन वेरीफाई इट्सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। दी गई संख्या, जो भी हमें संख्या दी गई है उसका हमें क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। और गुणात्मक प्रतिलोम में हमें यह ध्यान रखना होता है कि गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या को हम उलट देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और साइन एडिटिव यूज करते हैं। लाइक हमारे वैल्यू क्या है, -13 माइनस का 13, जिसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, -13/1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दी गई संख्या को माना x से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या रिसीव होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसका मान हमेशा एक होता है। यानी -13 को किसी ऐसी संख्या से गुणा करना
कि इसका मान हमें एक प्राप्त हो। तो यहाँ पर x का मान किस ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 13 बटे 1 गुणा x बराबर 1। अतः पक्षांतरण करेंगे, टेकिंग माइनस 13 इन अदर साइड, x इज इक्वल टू 1/13 नेगेटिव हो, इट विल बी अवर आंसर। सिमिलरली माइनस 13/19 हमने माना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, x, y, z, a, b, c, इट्स अवर चॉइस, ये हमारी चॉइस है कि हम इसे क्या मान रहे हैं। हमने यहाँ पर भी इसका माइनस 13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने क्या माना, x माना। तो हमें क्या आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिसीव होनी चाहिए, देन x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 19 / 13 हेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज इक्वल टू 19/13 इन नेगेटिव फॉर्म, इट विल बी अवर आंसर। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करके देखें, अगर कोई क्वेरीज या कोई डाउट आते हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।